जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ने पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, मेरी शरण में आकर अच्छा कर्म योग को पालन कर और कड़ी मेहनत कर योगी आत्मा या आत्मा का वास्तविक स्वरूप न महसूस करने में सक्षम हुआ है। हालांकि जिन्हों का पास शुद्ध हृदय या स्पष्ट मन या एकाग्र इच्छा शक्ति कोनी है, वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप न महसूस करने में असमर्थ है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। अहिया कहकर श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट कर रहा कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप न समझने के लिए व्यक्ति ने कर्म योग को अभ्यास करना चाहिए, उनका दिव्य चरणों की शरण लेनी चाहिए और लगन से प्रयास करना चाहिए। इसलिए आओ मैं श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करा, कर्म योग करा, आत्मा का वास्तविक स्वरूप न समझने के लिए कड़ी मेहनत करा, श्रीमन नारायण ना प्राप्त करने को लक्ष्य रखा। आओ मैं भी श्री कृष्ण परमात्मा का वचनों ना श्लोक का रूप में ज्यों का त्यों दोहराने को प्रयास करा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद् गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मने वो लोग पसंद है जो ई 8 बातों को पालन कर, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कवा करीशे वचनम त्व, जी को अर्थ कृष्ण मैं बहिया ही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन न सब तरह की सफलता और जीत प्रदान कर। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूँगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे अनुसरण करना बोला था मन पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मने थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो,
मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना है या सुनना को वादो करूं। मारो आठों वचन हे श्रीमन्नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने आठ वचन दिया हाँ, मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहेगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। ॐ यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज एक मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstrot.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहा जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन आइया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।